जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का डे थ्री फर्स्ट टेस्ट का, जो आज तीसरा दिन था, उसी के बारे में आज सारा डिस्कशन करेंगे दोस्तों। मगर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। जो नए विजिटर हैं वो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस को आराम से हासिल कर सके। तो दोस्तों, कल तक जैसे हमने छोड़ा हुआ था कि दूसरे दिन का जो खेल जो हुआ था उसमें सुरंगा लकमल और डिगवेला जो है नॉट आउट रहे थे, और श्रीलंका का जो स्कोर था वो भी थोड़ा पीछे थे लीड से। मगर आज का जो दिन गुजरा है उसके अंदर में सुरंगा लकमल और लेनोशन डिगवेला, उन्होंने 61 रन जो है स्कोर किया और 40 रन लकमल ने स्कोर किए। उसके बाद में 267 रन के ऊपर में ऑल आउट हो गई श्रीलंका की टीम, मगर थोड़ा सा जो है लीड लेके अच्छा जो है न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही बुरा दिन आज साबित हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे स्पेशली केन विलियमसन, जिनके ऊपर सारी उम्मीदें सारा दारोमदार जो है न्यूजीलैंड की कैप्टन के ऊपर में होता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप के अंदर भी ये एक अकेला खिलाड़ी था जो अपनी टीम को जितवा रहा था मैचेस और अपनी टीम के लिए खेल रहा था। उसके अलावा अगर बात करें तो कोई भी ऐसा कोई बैट्समैन नज़र नहीं आया जिन्होंने अच्छी जिम्मेदारी ली हो। रॉस टेलर पिछली फर्स्ट इनिंग्स के हीरो बने थे, मगर इस दफा 3 रन पे आउट हो गए। जीत रावल की अगर बात करें जो कि ओपनर है, 4 रन पे आउट हो गए। टॉम लेगन थोड़ा सा रिदम में नजर आए, 45 स्कोर करके आउट हो गए। उसके अलावा जो है विकेट कीपर बीजे वॉटलिंग जो थे वो 63 रन बना के आउट हो गए। अगर हम बात करें तो 195 जो है टोटल आज के दिन का स्कोर किया है न्यूजीलैंड ने अपनी सेकेंड इनिंग्स के अंदर में, और 7 विकेट जो है गंवा चुके हैं। मगर तारीफ करनी पड़ेगी श्रीलंका के बॉलर्स की, क्योंकि जो डेब्यू कर रहे हैं लासिथ एम्बुल्डेनिया, 29 ओवर उनसे करवाए गए, 4 विकेट उन्होंने चटका दिए और 71 रन ही सिर्फ दिए। उसके बाद अगर लकमल जो पिछली इनिंग्स के हीरो बने हुए थे, इस मैच के अंदर में सिर्फ अभी तक 8 ही ओवर उनसे करवाए गए, 25 रन उन्होंने दिए। और अकेला धनंजया ने 24 ओवर करवा के 1 विकेट हासिल किया, और धनंजय डी सिल्वा ने 10 ओवर करवा के 2 विकेट हासिल करे। ये 7 विकेट जो टोटल हासिल कर चुके हैं श्रीलंका के बॉलर्स, ये समझ लें इस मैच को जो है तकरीबन तो जीत लिया है, क्योंकि 197 जो है इस वक्त 195 सॉरी न्यूजीलैंड का स्कोर है। कल तक अगर जितनी जल्दी अगर आउट कर सके, क्योंकि कल 14 दिन है, अगर ये पहले सेशन के अंदर में न्यूजीलैंड की टीम को आउट कर देते हैं तो पूरे 1.5 दिन का खेल बाकी होगा। मगर थोड़ा सा विकेट को देखें